ये कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है, खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते हैं ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते हैं टकाटक टकाटक। साथियों, दुनिया आज कह रही है कि इंडस्ट्री 4.0 को भारत लीड करेगा, लेकिन कांग्रेस भारत को लाइसेंस कोटा राज की तरफ धकेलने में जुटी है। कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है, खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। नौजवान जिन्हों जिंदगी के 15-20 साल महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए, वो आज कांग्रेस छोड़कर के निकल रहे हैं और आकर के एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है। एक समय था जब रेडियो खरीदना हो ना रेडियो, तो लाइसेंस लेना पड़ता था, बिना लाइसेंस रेडियो नहीं रख सकते थे। क्या आप दुनिया को उस जमाने में ले जा सकते हैं क्या? ये लाइसेंस राज में देश को ले जा सकते हैं क्या? क्या हमें फिर से लाइसेंस राज चाहिए क्या देश में? भाइयों बहनों, मोदी का तो ड्रीम है, मैं जो 2047 विकसित भारत की बात करता हूं ना, मेरी इच्छा क्या है मैं बताता हूं, ये मेरे दिल में पड़ा हुआ है। एक मध्यम वर्ग और ऊपर के जो परिवार है, उन परिवारों में से ये सरकार की किच 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 पूरी तरह बंद हो जानी चाहिए। सरकार उनकी जिंदगी से निकलनी चाहिए। ये सरकार को आदत हो गई है हर किसी को टांग अड़ाओ। मैं इसमें से सरकारों को बाहर निकालना चाहता हूं और गरीब को जब जरूरत पड़े सरकार 24 घंटे मौजूद होनी चाहिए, वरना आज ये कागज लाओ वो कागज लाओ, ढिकना लाओ फनाला लाओ, ये करो वो, क्या है मतलब भाई? कब तक ये मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करते रहोगे? और मेरे मन की इच्छा है 2047 तक जब देश विकसित भारत बनेगा, ये सारी किचपिच चली जाएगी। दोस्तों, आज जैसे परिश्रमी लोग जो दिन रात मेहनत करके अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, अब ये शहजादे की नजर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ी है। ये लोग अब कह रहे हैं कि आप जो वेल्थ क्रिएट करते हैं, आप जो कमाते हैं, उसका एक्सरे करेंगे, आपके लॉकर का एक्सरे होगा अंदर क्या पड़ा है, आपके घर का एक्सरे होगा अंदर क्या पड़ा है, एक्सरे होगा कितनी गाड़ियां हैं, एक्सरे किया जाएगा आपकी संपत्ति, आपके पास जो स्त्री धन होगा उसकी जांच होगी, आपके मंगलसूत्र की जांच होगी।